जिले के जंगहा थाना अंतर्गत राजधानी गांव के पश्चिमी सिवान के बाहर गोर्रा नदी के तटबंध के पास एक अज्ञात 25 वर्षीय विवाहिता का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शव को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महिला की बेरहमी से हत्या की गई है। शव मिलने की सूचना पर जंगहा थाना अध्यक्ष संजय मिश्रा व क्षेत्राधिकारी जगत राम कनौजिया व SP नॉर्थ मनोज अवस्थी मौके पर पहुंच गए और घंटों जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर मिले शव को देखने से लगता है कि महिला के सर पर वार करके बेरहमी से हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस महिला की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। इसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज अवस्थी ने बताया कि एक महिला का शव मिला है जिसमें हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। शव को शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है और जाँच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, आज प्रातः जंगहा पुलिस को ये जनता के लोगों द्वारा सूचना दी गई कि गोर्रा नदी के किनारे राजधानी गांव के पास में एक 30 वर्षीय अज्ञात महिला का शव पड़ा हुआ है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उसकी शिनाख्त कराने का प्रयास किया। आसपास के गांवों के लोगों को पूछताछ की गई लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। उस महिला का शव सील करके पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा गया है, जहां डॉक्टरों का पैनल उसका पोस्टमार्टम करेगा और उसकी शिनाख्त के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।